टॉपिक इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। कर चुके हैं कि वहाँ के पेट्रोल पंप्स पे आर्मी मैन डिप्लॉय किए गए हैं और अगर बात की जाए वहाँ के एग्जाम्स भी कैंसिल किए जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर प्रिंट करने के लिए पेपर ही अवेलेबल नहीं है। श्रीलंकास इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इसके 5 रीजंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले रीजन की बात करें तो मैसिव एक्सटर्नल डेब्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज सिंस 2010, तो श्रीलंका ने बहुत सारा उधार ले रखा है बाकी कंट्रीज से। सेकेंड रीजन की बात करें सो बिकॉज ऑफ हैवी इम्पोर्ट फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीलंका का इम्पोर्ट बहुत ही ज्यादा है कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। और अगर हम थर्ड रीजन की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द करप्शन इन गवर्नमेंट श्रीलंका हैज दिस क्राइसिस। फोर्थ रीजन की बात करें डिक्लाइन इन टूरिज्म बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो COVID-19 की वजह से वहां का टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। और फिफ्थ रीजन की बात करें तो गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, इसकी वजह से वहां की फूड इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तो ये 5 मेन रीजन है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।